कटल इन अ डे कीप द डॉक्टर अवे, कुछ अटपटा सा सुनने में लगता है। अमूमन आपने ये कहावत सेब के बारे में जरूर सुनी होगी। क्यों सेब खाने से डॉक्टर के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते, ये सवाल अक्सर आपके दिमाग में जरूर आया होगा। पेक्टिन, दरअसल पेक्टिन एक बहुत ही अहम प्रोबायोटिक होता है जो सेब में पाया जाता है, जिस कारण सेब को स्वास्थ्य के लिए कुदरत का एक वरदान माना जाता है। प्रोबायोटिक जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को सक्रिय और मजबूत बनाता है, जिस कारण भारत में कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा तन। आसान शब्दों में मतलब शरीर की ज़्यादातर बीमारियां पेट से पाचन तंत्र से संबंधित ही होती है। पश्चिमी देशों में कटहल की मांग को देखते हुए जेम्स जोसेफ ने जैक फ्रूट 365 नामक कंपनी शुरू की है, जो कटहल को एक सुपर फूड का दर्जा देते हैं और बताते हैं कि कटहल के 30 ग्राम आटे में 1 ग्राम पेक्टिन होता है, जो अमूमन 3 सेबों के बराबर माना जाता है। हिंदुस्तान के युवा आधुनिकीकरण की होड़ में अपने शक्तिशाली फल कटहल को भुलाता जा रहा है और आधुनिक पिज्ज़ा, बर्गर और डिब्बा बंद खाने पर आश्रित होने के कारण बीमार पड़ता जा रहा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल भारत में यूं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग हर राज्य में उपजने की क्षमता रखता है, लेकिन दक्षिण भारत है जिसने देश में सबसे ज़्यादा कटहल को मानो अपनी प्राचीन धरोहर समझकर लहलहाते हरे खेतों में उपजा रखा है। 30 से 70 फुट लंबे पेड़ों पर लगने वाला कटहल भारत में दक्षिण भारत जैसे कि केरल से लेकर आज पश्चिम में यूरोप तक पहुंच गया है और बहुचर्चित हो गया है। जो जो पश्चिम में मांसाहार से हो रही बीमारियों एवं महामारियों के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, त्यों त्यों पश्चिम में भारत के कटहल को मांसाहार के विकल्प के रूप में आज बहुत पसंद किया जा रहा है। अक्सर आहार को आधुनिक केमिकल युक्त सप्लीमेंटेशन से रिप्लेस करने वाले युवाओं को ये पता होना चाहिए कि प्राचीन आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में कहा जाता है कि औषधि ही आहार है, इसलिए मौसमानुसार कटहल के नियमित सेवन करने से शोधानुसार विटामिन ए, सी, थायमिन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, नियासिन, जिंक आदि जरूरी पोषक तत्वों से संबंधित जैसे कि आँखों, चेहरे, दिल, त्वचा, थायराइड, पेट संबंधी इत्यादि अनेकों बीमारियों से दूर रहा जा सकता है।